हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग टिप्स बाय एके। फ्रेंड्स, आज हम ओवरव्यू करेंगे जो विंटर फ्लावर्स हैं उनके बारे में, जो हमने ग्रो करे हैं सीडलिंग से। मैक्सिमम मैंने सीडलिंग से ही प्लांट ग्रो करे हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो मैं नर्सरी से लेके आई थी, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो हम आज देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, तो ये बताऊँगी कि कौन से फ्लावर आप जो है बहुत ही जो खूबसूरत हैं आप विंटर में ग्रो कर सकते हो, तो स्प्रिंग तक ये आपको बहुत ही अच्छे ब्लूम्स देंगे। और सबसे पहले ये वाला नस्टेशियम का फ्लावर है फ्रेंड्स। इसमें तीन चार कलर आते हैं, मोस्टली ये डार्क ऑरेंज और आप ये येलो देख सकते हो। मैंने इस ट्रे में लगाया इसको, तो आप ये देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। मिक्स फ्लावरिंग है, इसमें काफ़ी सारे प्लांट है और ये नेमेशिया का फ्लावर्स हैं, उसको नेमेशिया बोलते हैं। और ये भी मैंने सीडलिंग से ग्रो कर रहा है। और ये वाला प्लांट वर्बीना है फ्रेंड्स, ये वर्बीना के हैं। तो वर्बीना में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप देख सकते हो। तो मिक्स कलर्स भी आते हैं एक ही फ्लावर में, पिंक और डार्क पिंक, पर्पल और रेड, काफ़ी सारे कलर हैं। मैं सारे और भी दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये मैंने छोटे छोटे पॉट्स में, क्योंकि सीडलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने छोटे छोटे पॉट्स में ये सारे आइस प्लांट्स हैं। तो जब धूप निकलती है तो ये खिलते हैं। अब शाम होने को है, शाम का टाइम है, तो ये ब्लूम्स इनके बंद हो गए हैं। तो इनकी पिंचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी पिंचिंग सबकी करने वाली है। तो ये और खूबसूरत फ्लावर्स आपको जो दिखा रही हूँ, ये ग्जेनिया बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्लांट है ये भी। और ये भी आप, ये मैं नर्सरी से लेके आई थी, बहुत छोटे छोटे इतने से प्लांट थे, बहुत छोटे इतने से। तो आप देख सकते हो ये भी बर्ड निकलने वाली है, ये भी ब्लूम, ये तीन ब्लूम इसमें ऑलरेडी हुए। तो जो स्पेंट हो जाते ब्लूम आप उनको रिमूव कर सकते हो। तो ये भी अभी निकलने वाला है। तो ये नेक्स्ट फ्लावर हमारे ये फ्रेंड्स सिंथ का फ्लावर है, जो ये बल्ब से ग्रो करते हैं हम। तो इसके मैंने चार बल्ब मंगवाए थे, तो यहाँ पे था एक बल्ब था, तो वो मेरा हुआ नहीं, रॉटन हो चुका था एक्चुअली, बारिश में रह गया था ट्रे, तो इस वजह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया प्लांट निकल रहा है, तो बड़ा होके पता चल जाएगा ये कौन सा। तो जो इनके जो बल्ब हैं और वो इसी पॉट में ही रहने देंगे, तो नेक्स्ट सीजन फिर ये हमें फ्लावरिंग देगा। तो इसमें एक कलर ये है, तो इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू होती है, तो डेकोरेशन के लिए आप इंडोर भी इसको रख सकते हो। तो नेक्स्ट फ्लावर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फ्लावर ये बहुत ही खूबसूरत है, जैसे आपको नज़र आ रहा है पॉट में। तो ये फ्रेंड्स डॉग प्लांट बोलते हैं इसको, डॉग फ्लावर है। तो डॉग फ्लावर इसको इसलिए बोलते हैं कि जब यहाँ से आप दबाते हो तो ये इसका माउथ है जो ओपन होता है डॉग की तरह। तो इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं शॉर्ट, और इसमें लॉन्ग वैरायटी भी आती है ड्वार्फ ऑफ जायंट। और ये एक ही प्लांट है, आप देख सकते हो पूरा जो इसने पॉट है पूरा फिल हो गया, तो कितना प्यारा लग रहा है ये। और काफ़ी टाइम ये रहते हैं फ्लावर, जल्दी ये इसके ब्लूम से जो ख़त्म नहीं होते। तो ये सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, डॉग प्लांट, रैबिट प्लांट भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल नेम इनके काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो ये बड़े आसान से नेम है, ईज़िली याद रह जाते हैं। तो ये मोस्ट जो पाया जाने वाला विंटर का फ्लावर है पेंसी, जैसे कि ये पॉट में है और ये भी एक ही प्लांट है, तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे तरफ फैल गया ये। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है सर्दियों के लिए। तो आगे ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आप देख सकते हो, डायंथस, ये डायंथस का है। सारे मैंने सीडलिंग से ग्रो कर रहे हैं, आप देख सकते हो जो छोटे छोटे पॉट्स में मैंने लगा दिए, जो भी सीडलिंग बच जाती है तो मैंने क्या रही हूँ मैं भी लगा दी जो बच गई है। तो ये भी मैंने सीडलिंग से ग्रो कर रहे हैं। ये है पिटूनिया, पिटूनिया के फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जो दो तीन प्लांट्स हैं मैंने ये बास्केट में लगाए, ये हैंगिंग है, जब ये पूरी फिल हो जाएगी हैंग कर देंगे।
तो ये पिटूनिया के, जो कि मैंने ये वाला प्लांट मैंने नर्सरी से लेके आई थी, तो छोटा सा था ये, तो बड़ा तो यहीं पे आ गया था। कितने सारे ब्लूम्स आने वाले आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा ब्लूम्स आते हैं पिटूनिया में, और पिटूनिया में बहुत सारे कलर होते हैं। ये डबल शेड है, तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप ज़रूर अपने गार्डन में नेक्स्ट सीजन रखें। ये लाइसम है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो पिंक कलर का रोजियो डे, और ये भी लाइसम है, और ये अब सीज़न जाने वाला है इसका। अब ये देख सकते हो छोटे से पॉट में, ये भी छोटे से पॉट में ये लाइसम है। ये भी आप देख सकते हो डॉग प्लांट है, ये भी आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है इसका भी। तो ये भी एक प्लांट है, और बहुत सारे फूल और बहुत सारे लीव्स इसको और भी आ रहे हैं। ये वर्बीना रेड कलर है और वाइट कलर, ये पैंसी, फिर ये डांथस, ये जिरेनियम, अभी बहुत छोटा प्लांट है, अभी सीड फ्लावर आएंगे, एक और प्लांट है उसमें आए हैं फ्लावर्स, वो दिखाऊंगी आपको। ये ट्यूलिप है, अभी ट्यूलिप मेरा आएंगे, फ्लावर्स आएंगे ट्यूलिप के, और ये भी मेरे कुछ जो मैंने ग्रो करे हैं बल्ब से, तो अभी इसके फूल निकलेंगे तो पता चलेगा। एक्चुअली टैग नहीं लगाया इस पे, जो समझ नहीं आ रहा कौन सा है। तो ये फ्रेशिया के हैं, ये फ्रेशिया के आ रहे हैं, इसको ब्लूम्स आने वाले हैं अभी। ये देखिए ये फ्रेशिया के कितने खूबसूरत फूल आने वाले हैं, और पूरा फिल हो जाएगा ये पॉट। मैरीगोल्ड हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत हैं, बहुत टाइम रहते हैं ये मैरीगोल्ड, और मैरीगोल्ड तो हर घर में बहुत ही अच्छे से किसी भी मिट्टी में हो जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर लगाएं। तो साथ में मैंने अलायसम का नीचे सीड्स बिखेर दिए थे। अलायसम के आप डायरेक्ट सीड्स को जिस भी जगह लगाना चाहें तो वो आप स्प्रेड कर दें, तो बहुत ही खूबसूरत ये बेड बेड के लिए भी यूज़ होते हैं अलायसम के फ्लावर्स। ये पॉपी फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत प्लांट है, और बहुत ज़्यादा इसको जो बर्ड्स आई हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स निकलेंगे। ये वर्बीना के, और ये भी मैरीगोल्ड के हैं, और एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो ये भी वर्बीना के प्लांट्स हैं, तो अभी ब्लूम्स आएंगे। शर्ले पॉपी आप देख सकते हो कितने खूबसूरत फ्लावर हैं, ये ऐसा फ्लावर है जैसे कि ट्यूलिप का हो फ्लावर। ये कॉस्मोस का है, छोटा सा फ्लावर है, ये पूरा ऑल ओवर द सीजन रहता है, लेकिन ये गर्मियों को फ्लावर है कॉस्मोस। तो ये आइस फ्लावर्स हैं, आइस प्लांट है, तो बहुत सारे कलर्स आते हैं आइस प्लांट में, आप देख सकते हो अभी ब्लूमिंग आ रही है, तो क्यारी बहुत बड़ी है, वीड्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये रोज़ है, आप देख सकते हो नेचुरल नेचुरल देसी रोज़ जो होता है वो है, कितना बड़ा है। तो सर्दियों में इसकी सारी प्रूनिंग कर दी थी, पूरी कटिंग कर दी थी, तो आप देख सकते हो नई ब्रांचेस के साथ ये रोज़ प्लांट काफ़ी फैल गया। और इसके साथ साथ भी मैंने वर्बीना के, मैरीगोल्ड, क्योंकि मेरे पास सीडलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये देखिए निस्टेशियन का है ये, इसके लीव्स आप देख सकते हो कितने प्यारे हैं। तो ये निस्टेशियम का प्लांट बहुत ज़्यादा फूल देता है, तो जो मेरा पॉट में है तो आप देख सकते हो उसमें बहुत ज़्यादा आए हैं, ये मैंने लेट ग्रो करा था तो इस वजह से अभी आने स्टार्ट हुए हैं इसमें। ये डिफरेंट कलर के डायन्थस आप देख सकते हो, अभी ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है, तो काफ़ी ब्लूमिंग होएगी, पिंक है, वाइट है, और डिफरेंट पिंक है, आप देख बहुत खूबसूरत प्लांट है ये भी आइस प्लांट, आप देख सकते हो यहाँ शाम की सीधी धूप पड़ती है तो उस वजह से अभी भी इसके ब्लूम्स बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। ये शर्ले पॉपी हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने लगा दिए थे क्योंकि सीडलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ये क्यारी में लगा दिए। ये रोज़ प्लांट हैं, ये लिलियम के हैं, अम्ब्रेलस,
और ये रेनी सीजन का प्लांट है बालसम, तो इसके सीड्स अभी यहाँ पे गिर गए हैं, तो ये नए प्लांट्स निकलेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें डबल शेडेड है, उसके लीव्स ऊपर, ये देखिए शर्ले पॉपी जरूर ऐड करें। एक बार आप लगा लेंगे तो ये बाद में अपने सीड से यहाँ से ग्रो होता रहेगा। रोज पिंक कलर और रेड कलर, दोनों कलर का रोज। विंटर फ्लावर्स जो होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं विंटर के। तो ये शर्ले पॉपी को आप ऐसे स्प्रेड कर देंगे क्यारियों में, तो आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा निकलेंगे इनको फ्लावर्स। निमेशिया का येलो कलर का देख सकते हो कितना प्यारा है, ये भी ऐड कर सकते हो आप। जिरेनियम का यहाँ पे भी निकलेगा, पूरे गुच्छे में आते हैं ये फूल, कितना प्यारा कलर है। और इसके जो नीचे लीव्स हैं, पूरा पॉट ही कितना प्यारा लग रहा है। वही नेस्टेशियम का आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है। तो ये धूप में बिल्कुल सामने रहता है, इस वजह से इसके जो फूल हैं बहुत ज़्यादा आए हैं। अगेन गिजेनिया और पिटूनिया के आप कलर देख सकते हो, लाइट पर्पल और ये डबल शेड का, और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आने वाले हैं इसको। ये कॉस्मोस के हैं, तो ये भी सीड्स आपके गिरते रहते हैं, जैसे सीड्स हैं तो यहीं से गिरेंगे तो सीडलिंग हो जाएगी। अब गर्मियों में ये मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो ग्रोथ है हो जाएगी, तो सर्दियों में जो इनकी हाइट छोटी रहती है क्योंकि ऑफ सीज़न होता है, उसके बावजूद भी बहुत फूल देते हैं। तो कॉस्मोस के फ्रेंड्स आप अभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अब फरवरी का मंथ है, तो कॉस्मोस को आप अपनी सीडलिंग के लिए मंगवा सकते हो। उसमें पिंक कलर और वाइट कलर के भी आते हैं, ऑरेंज और येलो, चार कलर के कॉस्मोस आते हैं। तो आप लेके आ सकते हो या ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स ये मेरा ओवरव्यू था विंटर फ्लावर्स का, तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स गर्मियों की सीडलिंग के लिए हम सीड्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो जो गर्मियों की सीडलिंग है वो जब लगाएंगे तो साथ साथ हम वीडियो बनाते रहेंगे जो जो भी सीड्स हमारे पास आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, तो नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।